हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कंप्यूटर सेक्शन जो मिलता है हमें माई ड्राइव के अंदर, उसे हम कैसे यूज करते हैं। सो माई ड्राइव के अंदर लॉग इन करके गाइस, हमारे पास एक कंप्यूटर्स का सेक्शन होता है लेफ्ट पैनल में, जिसे हम यूज कर सकते हैं। सो इसे यूज करने के लिए गूगल हमें दूसरा एक और ऑप्शन देता है, जो कि होता है जहाँ पे ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। सो ड्राइव फॉर डेस्कटॉप एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा हम गूगल ड्राइव को अपने सिस्टम पे, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके गाइस, इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं। सो अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर्स, आइटम्स जो हैं हमारे, उनको अगर हम अपने ड्राइव और डेस्कटॉप में डाल रहे हैं, उसको हम सिंक कर पाते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। सो जो भी फोल्डर्स, जो भी फाइल्स हमारे ड्राइव और डेस्कटॉप में होंगे, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। सो कंप्यूटर सेक्शन में हमें दिख पाएंगे कौन से फोल्डर्स, कौन से फाइल्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अपने ड्राइव और डेस्कटॉप में रखे हुए हैं ऑफलाइन मोड पे। सो इसके द्वारा हम बहुत ही आसान तरीके से अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम पे हैं माई ड्राइव के थ्रू। सो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ड्राइव और डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लेते हैं और इसके अंदर अपने फोल्डर्स को मूव करते हैं और इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और ये ऑटोमेटिकली फिर हमारे कंप्यूटर सेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगता है, दिखाई देने लगता है, और हम वहां हमें देख पाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे ड्राइव और डेस्कटॉप के अंदर हैं, और वहां से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, हम एडिट कर सकते हैं, हम इन्हें मूव कर सकते हैं दूसरे जगहों पे, दूसरे लोकेशन में माई ड्राइव के अंदर, और इसे शेयर भी कर पाएंगे दूसरे लोगों के साथ। सो इस तरीके से कंप्यूटर सेक्शन यूज हो पाता है माई ड्राइव के अंदर, जो कि बेसिकली हेल्प करता है फाइल्स जो हमने सिस्टम पे सेव कर रखे हैं उनको एक्सेस करने के लिए और उनपे चेंजेस लाने के लिए। आई होप दिस मेक सेंस, और सबको समझ में आया कि कंप्यूटर सेक्शन से हम कैसे यूज करते हैं माई ड्राइव के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।